हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम करियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के पहले फ्रेंड हमें एक टेस्ट देना पड़ता है। तो फ्रेंड, जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो फ्रेंड गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था कर दिया है कि जब भी हम अपना टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ाई करने का भी सुविधा मिलेगा कि हम वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और पढ़ने के बाद अपना जो टेस्ट होगा वो वहाँ पे दे सकेंगे। तो फ्रेंड चलिए, मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने आपको कौन सी सुविधा दे रही है और उस सुविधा से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो फ्रेंड, इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के प्लेलिस्ट में जाकर के आप ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बहुत सारी वीडियो देख करके आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड गवर्नमेंट ने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को राहत देने का प्रयास कर रही है। इसके पहले जो हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देते थे उसका जो स्लॉट था वो कम था। उस स्लॉट को बढ़ाने के बाद फ्रेंड हमें जो लाइनों में खड़े रहना पड़ता था, अब काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब सुधार मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हमें मदद मिल रही है कि जल्दी से हम लोगों का जो टाइम स्लॉट है, जो हमारा टेस्ट स्लॉट है, वो बुक हो जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड गवर्नमेंट ने अब ये भी सुविधा दे दिया है कि जब भी हम अपना ऑनलाइन टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पर हमें पढ़ने की भी सुविधा दी जाएगी। तो फ्रेंड बहुत सारे लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर देते थे लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और जब वो ऑनलाइन टेस्ट देने जाते थे तो उन्हें समझ में नहीं आता था और वो लोग फेल हो जाते थे। उस टेस्ट में फेल होने के बाद फिर से दोबारा उनको टेस्ट देना पड़ता था और फिर जाके अगर वो पास हो जाते थे तब जाके उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनता था। लेकिन फ्रेंड अब आपको गवर्नमेंट ने आपको आरटीओ में ही पढ़ने की सुविधा भी दे दिया है कि अब आप टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पे पहले पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप अपना ऑनलाइन टेस्ट देने जाइए। तो फ्रेंड चलिए जान लेते हैं कि किस आरटीओ ने ये शुरू किया है। तो फ्रेंड ये सुविधा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद आरटीओ ने ये शुरू कर दिया है। फ्रेंड फिरोजाबाद के आरटीओ के प्रशासन ने कार्यालय परिसर में ही बड़ी स्क्रीन लगवाकर उसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। फ्रेंड कार्यालय का जो परिसर है उस कार्यालय परिसर में बड़ी सी स्क्रीन लगा करके और वहाँ पे प्रशिक्षण का व्यवस्था उसमें कर दिया गया है। वहाँ पे 700 क्वेश्चन आंसर सहित वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड जो लोग वहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं अपने टाइम स्लॉट का, वो लोग तब तक उस स्क्रीन में देख करके और उस क्वेश्चन को रिविजन कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड अगर आप पढ़ के भी नहीं गए हैं तब भी आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी क्योंकि वहाँ पे आप बैठे रहेंगे तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ेंगे ही और वहाँ से पढ़ने के बाद फ्रेंड जब आप अपना ऑनलाइन टेस्ट देने जाएंगे तो उन्हीं क्वेश्चन में से जो वहां पे स्क्रीन पर 700 क्वेश्चन दिखाए जाएंगे उन्हीं क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन वहां पे दिए जाएंगे। आप उस 15 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं तो आप उस पर टेस्ट में पास हो जाएंगे। अगर आप 9 क्वेश्चन से कम करते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। तो फ्रेंड आपके मन में ये डाउट होगा कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। तो फ्रेंड अगर आप फेल हो जाएंगे तो फ्रेंड आपको 2 टाइम और मिलेगा आपको टेस्ट देने के लिए। आप 2 टाइम में अपना जो ऑनलाइन टेस्ट है उसको पास करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना करके आपके घर पर भेज दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के लिए बहुत बड़ी राहत दे रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि इसके पहले जो हम लोगों का टाइम स्लॉट था उसे बढ़ाया। टाइम स्लॉट बढ़ाने के बाद फ्रेंड आप पढ़ने की भी सुविधा दे रही है कि अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं तो आप वहां पे एक बार रिविजन कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही अपना ऑनलाइन टेस्ट दे। तो फ्रेंड ये रही छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।